यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह माफिया आतिक अहमद के करीबी जफर अहमद के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल भी बरामद की गई है। जफर के दो मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम गिरा रही है और दो मंजिला घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। अतीक का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को पनाह दी थी। जफर अतीक का खास गुर्गा है, दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। हाल ही में उमेश पाल ने जफर पर भी केस दर्ज कराया था। अतीक अहमद का चकिया स्थित मकान गिराए जाने के बाद वह अपने मायके में रह रही थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जफर अहमद से इस मकान को किराए पर लिया था। जी, अतीक अहमद के नाम पर जो है गिराया जा रहा है। इसने ये बात स्पष्ट करनी है कि ये मकान श्री अतीक अहमद का नहीं है, ये श्री जफर अहमद खां का ये मकान है। तो उन्होंने इस मकान को श्री जफर अहमद खां से किराए पर लिया हुआ था और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है। ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खां को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है।